हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहन ब्लॉग्स। मेरा नाम है सरनदीप सिंह रोहन और मेरा गांव का नाम है जखवाड़ी बांगड़, जो कि बांगड़ क्षेत्र में पड़ता है। तो गाइस, अभी उठे थोड़ी देर पहले, उठ के सीधी सीढ़ी पे बैठा हूँ और आज फाइनल वाले भी आ चुके हैं और अब काम भी स्टार्ट हो चुका है। कल या परसों इसमें छत भी पड़ जाएगा, फिर छत की तैयारी भी होनी है। अभी बहुत सारी तैयारी करनी है छत के लिए भी, मतलब जैसे सर रोड़ी रेती सब एकदम रेडी करके रखना है कि बाद में कोई दिक्कत ना पड़े। तो अभी कर रहे हैं काम, अभी दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो गाइस, इतना काम हो चुका है इसमें, चद्दर चद्दर तो डाल चुके हैं। अब इसमें बस सरिया बिछानी बाकी है और अभी सरिया सरिया बिछा रहे हैं। अरे भैया लोग आ रखे हैं आज काम पे, तो अभी सब लगे हुए काम पे और ये यहाँ पे सरिया सरिया मला चद्दर वगैरह बिछा दी। सरिया भी बिछ जाएंगी शायद शाम तक, देखते हैं कब तक होता है, क्योंकि वो भी लगे हैं काम पे कल से। कल ये पाइप वाइप सेट किए थे, थोड़ी बहुत चद्दर डाली थी और आज भी थोड़ा ये चद्दर डाल रहे हैं। और अभी इसमें थोड़ा मतलब इधर उधर इधर इधर की साइड भी और उधर की साइड भी तख्ते लगाने हैं ऐसे में, मतलब जो साइड की गैलरी होती है वो बनानी है। तो अभी लगे हुए हैं सब काम करने पे और मैं भी बस ऐसे ही लगा हूँ, थोड़ा बहुत काम भी कर रहा हूँ, अपना ब्लॉग भी बना रहा हूँ सबके साथ। सभी खाना खुना तो खा लिया सबने, मेरा तो उपवास है, मैंने नहा धो के तैयार हो चुका हूँ, मतलब नहा धो लिया मैं। अभी ऐसे ही बस बैठे हैं और यहाँ पीछे देखो, यहाँ पे आ रखे हैं हमारे गांव में जो बहुत पुराने, मतलब फेरी का काम करते हैं, बहुत पुराने हैं, आज से नहीं मतलब बचपन से, बचपन ही यहाँ बीता उनका, श्रीकांत भाई। आज वो आ रखे हैं हमारे घर में, तो सब कपड़े कुपड़े ले रहे हैं उनसे। हम जो भी कपड़े लेते हैं हम उन्हीं से लेते हैं, हम बाहर से दुकान से बहुत कम लेते हैं, शॉप से बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही कम लेते हैं हम, ज़्यादा सामान इन्हीं से लेते हैं सरकान भाई से, क्योंकि ये अच्छे हैं, मतलब पहले से जानते हैं। तो जिस बंदे को जानते होंगे आप, उनसे आज सामान लेने में अच्छे मतलब ठीक लगता है थोड़ा बहुत, तो हम इन्हीं से सामान लेते हैं अभी। तो अब थोड़ी देर मतलब पूजा पाजा करता हूँ और उसके बाद जाएंगे फिर क्रिकेट खेलने, और आज क्या पता शायद रात को सिरवाड़ी चले जाएँ हम रामलीला देखने, क्योंकि आज वहाँ है शूट था रामलीला का। तो आज कुछ अभी पता नहीं, अभी प्लान मतलब कुछ बनानी है। तो अभी लड़का लोग जब क्रिकेट खेलने जाएंगे तब बातचीत करेंगे सबसे, तब पूछेंगे कि कौन कौन जा रहा कौन कौन नहीं जा रहा। तो अभी देखते हैं और मिलते हैं आपको सीधे बाद में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस, अभी आ चुके हैं हम, आ चुके थे क्रिकेट खेलने और क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो इन्होंने सारी तीन बॉल थी तो तीनों बॉल में छक्का मार दिया है। तो अभी जा रखे हैं फील्डर बॉल ढूंढने और हमारी अभी जो है फील्डिंग है और ये इधर बैटिंग कर रहे हैं ये पीछे, तो अभी खेल रहे हैं हम सब बैट बॉल। और कोई इधर लड़का हुआ, कोई इधर, ये देखो गाइस कोई इधर है, कोई इधर है, सब बैठे पड़े इधर। तो खेल रहे हैं अभी क्रिकेट और थोड़ी देर में जाएंगे घर। घर आज जल्दी जाएंगे क्योंकि मेरा उपवास भी है, तो खाना खुना भी खाना है तो बनाना भी है। तो आपको हे गाइस, 130 का लक्ष्य मिल चुका है हमें, अभी देखते हैं क्या करते हैं हम। बॉलिंग में बहुत ज़्यादा तावड़ तोड़, मतलब इन्होंने ढंग से तोड़ लिया हमको, मतलब अच्छी बैटिंग ही। अब देखते हैं आगे क्या होता है, बैटिंग कर रहे हैं अब देखते हैं। तो गाइस, अभी हम सब जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, रामलीला छूटता, मुझे अभी नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि मैंने अपनी फ़ोन की फ्लैश ऑन की है। तो गाइस, सब लड़के लोग जा रहे हैं सब। हेलो हेलो गाइस, 10 बजे उड़ दो चैनल चैनल उड़। गाइस, तब हम जा रहे हैं अभी सिरवाड़ी रामलीला का शूट था, तो आज वहाँ छूटता है, तो आज ऐसे ही जाते हैं हम रात को, डर डूर तो नहीं लगता है, बस ऐसे ही इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं सब लड़के लोग। तो जा रहे हैं हम अभी, ये हमारे बड़े भाई जी का मंदिर है यहाँ पे, सब जा रहे हैं हम सब लोग रामलीला हास्ट नाइट, मज़ा आएगा यार रात को घूमने में। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि अभी अंधेरे की वजह से, फ्लैश की वजह से मुझे आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अभी गिर गुर जाऊँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। 5 रुपये चाहिए पहुँच गए बाजार गाँव में और सड़क पे जा रहे हैं अभी, थोड़ी देर में चढ़ाई भी चढ़नी है हमें अभी ऊपर, तो यहाँ से जाएंगे पुल भी दिखाएंगे, पुल पे जाएंगे। तो सब दोस्त लोग जा रहे हैं वहाँ, देखेंगे छूटता, देखते हैं क्या क्या होता है वहाँ, मिलते हैं सीधे ऊपर। टाटा बाय बाय। तो गाइस, ये सामने पे हमारा गांव दिख रहा होगा आप लोगों को पूरा। मनो सतो चीज ही क्या, गाय लाश उठाया मैंने, देशो मारो
की तहे खाक में मिला कर छोड़ा जुलस दिया ठोक दिया। कहते हैं जी को कहते हैं बुझी को रख बुझी को रख उससे बड़े बारूद को कहते हैं मेहनत जैसी गजरा मेरी मेरा जैसी गजरा मेरी मेघनाथ कहलाता हूँ। अरे मेघनाथ कहलाता हूँ जब से जीता इंद्र को इंद्रजीत कहलाता हूँ। सुहानी है अजब लंका सुहानी है अजब मेरी कहानी है। बिरन मुझसे लड़ेगा जो बिरन मुझसे समझ लो की हानी है। अजब लंका सुहानी है अजब मेरी कहानी है। ओ कोई टकराएगा मुझसे जो कोई टकराएगा ना जीवित जा पाएगा। मुझसे जो कोई टकराएगा ना जीवित जा पाएगा। ये इंद्रजीत की जुबानी है अजब लंका सुहानी है। बोले धरा कांपे गगन डोले धरा कांपे मैं इंद्रजीत हूँ रावण सुता हूँ मैं इंद्रजीत हूँ इंद्र को जीता हूँ। अनेकों का यह मेरे मैं इंद्रजीत हूँ रावण सुता हूँ। इसी में हमेशा विजय होगी। ना सजाओ उठो वीर रणवीर सेना सजाओ अटल मार युद्ध में मचाओ मचाओ अटल मार रण में मचाओ मचाओ उठो वीर रणवीर सेना सजाओ अटल मार रण आगे महावीर को लगा कर पीछे से की सौ की सेना सजाओ पीछे से की सौ की सेना सजाओ। समझने की भूल नगर दुष्राक्षस तेरे कई भाई ये गलती कर चुके हैं। अरे ओ मूर्ख बालक क्या तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है। अरे मैं वो महासागर हूँ जिसके एक भाव से पूरे पृथ्वी में प्रलय आ सकता है। अरे मैं वो ज्वालामुखी हूँ अगर जो फट जाए तो पूरी पृथ्वी जल कर खाक में मिल सकती है। अरे बालक अरे दुष्राक्षस तुझे सिर्फ बातों से ही पीता बतलाने आती है क्या भुजाओं में बल नहीं है। लक्ष्मण के धनुष की टंकार मात्र से ही तेरे मन का साहस मिट चुका है। अरे दुष्ट चला जा क्यों अपनी माता के आंसू का कारण बनना चाहता है। अरे को जब निकलेगा रण करने को जब निकलेगा रावण सुता दीवाना रण करने को जब निकलेगा रावण सुता दीवाना रे को जब निकलेगा रण करने को जब निकलेगा दशरथ सुता दीवाना रे रण करने को जब निकलेगा दशरथ जी बलम छे
लगन लगेगा धर्रा रोज मेघना तू किस करना खुलावा इनको चीत कर सब कुछ है भुलावा मत का अफनावा ना रखते है तस्मत का अफनावा चलती हुई फिरले में रावण का आजमाया हुआ देख भी नहीं सकता था। अरे बैतराज जी, भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में हो, पर्वत में हो या सागर में हो, लाएगा दास उसे जाकर, चाहे ब्रह्मा के वो घर में हो, बतलाओ उसका रंग रूप किस भांति हाथ वो आएगी, रघुराय रहे सहाय तो सूर्य उदय से पहले आएगी। जय जय बोला लक्ष्मण आकी खोल कन के बोला समझो प्रगति लागे यहाँ पर। अरे इतना बड़ा योद्धा, एक सजीवनी को कहा था, अरे ये तो पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही यहाँ पर ला गया। ओहो ये तो ना भैया आप भी हो छह महीनों से भूखे हैं, इसलिए उनके सामने तरह तरह के सुगंधित व्यंजन परोसे जाए ताकि उनकी नाक में ये सुगंध जाए।
वह स्वतः ही जग जाएंगे। जहां मंत्री तुम सुगंधित व्यंजनों का प्रबंध करो। नींद में मुझे छह महीने की नींद में मुझे दो महीने की निंद्रा में क्यों जगाया गया है? मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। भ्राता श्री प्रणाम। आयुष्मान भव। भ्राता मुझे छह महीने की निंद्रा से क्यों तो मैं कच्चे चबाऊं रा मैं तो खाऊं लखाने को खाऊं सुप्रीम तो मैं कच्चे चबाऊं कारों में चाहतूं मुझसे ताव लगाइए पक्ष हो जाइए ओ छतरे जो तुम मुझसे आंख लड़ाओगे। पहले तो मूर्छा आई थी पहले तो मूर्छा आई थी अब की घाट उतार दो। तुम्हारा पिता तुम्हें सिर्फ हमेशा और इसका तुम हमेशा ये तुम्हारी करतूत है। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था लेकिन इतनी जल्दी नहीं। लेकिन चलो अब तुम आ ही गए हो तो पूरा मामला यही खत्म कर देते हैं। एक बार बस की पहली नजरों से बच जाता है तू अपने आप को महाबली समझ लेता है। पिछली बार तुम मेरे प्राणों से बच गया किंतु इस बार न बच पाएगा। यह कैसी तेरी हिमाकत है यह कैसी तेरी हिमाकत है मुझसे युद्ध करने की क्या तुझमें ताकत है? क्या बस बातों से ही पीता बतलाएगा खुद को इंद्रजीत बताने वाला क्या सिर्फ बातों से पीता बतलाएगा? क्या उसकी भुजाओं में बल भी है क्या उसकी भुजाओं में बल भी है? अगर मन का साहस बचाओ अगर मन का साहस बचाओ तो रणचित्र में रचित्र अभी युद्ध करना सिखाना था। कब युद्ध करता है क्या लक्ष्मण के सामने रहने से तेरी भुजाएं कांप रही है जो इस प्रकार कब युद्ध करता है वीर है तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था लेकिन इतनी जल्दी नहीं।
लेकिन चलो अब तुम आ ही गए हो तो पूरा मामला यही खत्म कर देते हैं। एक बार पास की पहली नजरों से बच जाता है तू अपने आप को वहां गली से बच लेता है। पिछली बार तुम मेरी बाणों से बच गया किंतु इस बार न बच पाएगा। मुझसे युद्ध करने की क्या तुझ में ताकत है? क्या बस बातों से ही पीता बतलाएगा? खुद को इंद्रजीत बताने वाला क्या सिर्फ बातों से पीता बतलाएगा? क्या उसकी भुजाओं में बल भी है? क्या उसकी भुजाओं में बल भी है? अगर मन का साहस बचाओ, अगर मन का साहस बचाओ तो रणचित्र में को भी स्वर्ग सिधार दिया था। ऐ वनवासी छोकरो, तुम बहुत घमंडी हो और तुमने जो कुछ भी किया है यह न्याय के खिलाफ है। आपने एक नारी को हर मरी छाया मात्र से युद्ध किया है और तुम्हें स्वयं काल से युद्ध करना होगा। वनवासी छोकरो, काल का भी काल हो मैं पंडित श्री मिश्राचल लाभ अदा करती है, गले छुरा फिरवाती है। चंद्र भगवान